न्यूट्रिशन तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन फूड इज एन ऑर्गेनिक सबस्टांस फूड क्या है तो ऑर्गेनिक सबस्टांस है ये ध्यान देंगे फूड इज नॉट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबस्टांस फूड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबस्टांस नहीं है फूड इज एन ऑर्गेनिक सबस्टांस एंड द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज और सबसे सिंपलेस्ट फूड कौन सा है तो वो ग्लूकोज है इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल सुगर और इसे हम लोग सिंपल सुगर भी कहते हैं ए मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च और सुगर से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फूड है हमारा स्टार्च स्टार्च इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज स्टार्च जो है वो ग्लूकोज से ही बनता है स्टार्च किससे बनता है ग्लूकोज से बनता है द जनरल नेम ऑफ सबस्टांस लाइक ग्लूकोज सुगर एंड स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट्स और एक जनरल नेम दिया गया है ग्लूकोज और स्टार्च के लिए क्या नाम दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन फूड्स फॉर गेटिंग एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स ही हमारा मोस्ट कॉमन फूड्स है एनर्जी प्राप्त करने के लिए फैट्स एंड प्रोटीन्स आर आल्सो फूड्स फैट्स और प्रोटीन्स भी हमारा फूड है फूड में ही आते हैं मिनरल विटामिन वाटर विच आर इसल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए और एक ऑर्गेनिज्म को डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है टर्म न्यूट्रीशन अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रीशन टर्म फूड जान लिए न्यूट्रिशन कम फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट न्यूट्रीशन टर्म जो है वो न्यूट्रिएंट नामक वर्ड से बना है ए न्यूट्रिएंट इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबिस्टांस और न्यूट्रिएंट जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक सबिस्टांस भी हो सकता है रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आवश्यक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए इन मोस्ट सिंपल टर्म्स अ न्यूट्रिएंट कैन बी सेड टू बी ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड न्यूट्रिएंट क्या है एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड ही है एक प्रकार का फूड ही है फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स क्या हैं न्यूट्रिएंट्स हैं एनर्जी जो कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी और प्रोटीन्स और मिनरल सार्ट आर न्यूट्रिय ये भी न्यूट्रिय हैं यूज बाई ऑर्गेनिज्म फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूंट्स लाइक स्किन ब्लड इटी सी जो कि बॉडी के द्वारा लिया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा विभिन्न तरह के बॉडी के बायोसिंथेसिस वर्क के लिए द फूड टेकन इन बाई ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिय लाइट कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स मिनरल्स विटामिन एंड वाटर्स जो एक ऑर्गेनिज्म जो है फूड लेता है एक ऑर्गेनिज्म जो फूड लेता है ग्रहण करता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स कई तरह के होते हैं हम जो फूड ग्रहण करते हैं उसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन मिनरल्स विटामिन वाटर जैसे कि हम सेब खाएं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा प्रोटीन्स होंगे मिनरल्स होंगे वाटर्स होंगे विटामिन न्यूट्रिय होंगे है ना बट एप्पल इज अ फूड एप्पल हमारा क्या है हम एक एप्पल ग्रहण करते हैं एंड दिस एप्पल इज फूड ये एप्पल क्या है हमारे लिए फूड है लेकिन इस फूड में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन्स मिनरल्स विटामिन वाटर इटीसी क्लियर है न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करने का लेने का लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स मिनरल्स विटामिन एंड वाटर बाई एन ऑर्गेनिज्म एज एज वेल द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिय बाई द ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण किया जाता है इंटेक किया जाता है और उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है उससे एनर्जी प्राप्त किया जाता है और पूरे बॉडी में उसका उपयोग किया जाता है तो न्यूट्रिशन क्या है न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स विटामिन मिनरल्स विटामिन एंड वाटर बाई एन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्मीज न्यूट्रिय बाई द ऑर्गेनिज्म, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑपटेरिंग फूड ऑल द ऑर्गेनिज कैन बी क्लासीफाइड इंटू टू ग्रुप्स और जो मोड ऑफ ऑप्टेनिंग फूड फूड ग्रहण करने का जो तरीका है उसके आधार पर जितने भी ऑर्गेनिज हैं उसको दो भाग में बांटा गया है फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड है हेट्रोट्रॉफिक तो सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने दो भाग में बांट दिया ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑपटेनिंग फूड वो फूड को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं उसके आधार पर दो भाग में बाँटा गया ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक